hey guys, welcome back to my new vlog. Good morning आप सभी को. और currently अभी मैं हूँ पठानकोट में. पठानकोट हम कल पहुँच चुके थे, रात को पहुँचे थे, अब टाइम याद नहीं है. 6:30 के करीब हम पठानकोट पहुँच गए थे शायद. और अब आप देख सकते हैं यहाँ से पठानकोट का इलाका. तो अभी मैं रुका हुआ हूँ बेस्ट वेस्टर्न लाविस्टा, यहाँ पर एक होटल है वहाँ पर. और आप यहाँ मॉर्निंग व्यू चेक कर सकते हैं कि किस तरह से है. मतलब तो ये मतलब रात को भी आए थे हम यहाँ पर, लेकिन रात को उतना प्यारा नहीं लग रहा था, दिन में और ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है. ये बड़ी सी स्क्रीन है यहाँ पर, जिसमें शाम को ये कुछ मैच वगैरह लगाते हैं. और होम थिएटर्स लगे हुए हैं, जिससे यहाँ पर सॉन्ग वगैरह रहते हैं. थोड़े बहुत फ़ैन भी यहाँ पर इन्होंने लगा रखे हैं. बाकी अंदर है बार, जो कि हमारे सब्जेक्ट भी नहीं है, पर ये रात को ओपन होता है. और रात को यहाँ पर लाइट वगैरह जली हुई होती है, तो जिसकी वजह से बढ़िया लगता है. ये प्यारा देखने में प्यारा लगता है, पर होता प्यारा नहीं है. मतलब बार है ना, हमारे काम का नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ. बाकी आप देख सकते हैं अंदर अभी. बाकी रात को भी आपको चेक करवाऊंगा मैं. तो वहाँ हमने रात को डिनर किया था अंदर ही. और यहाँ पर ये कुछ अभी सिचुएशन है सुबह की. और इस तरह से मतलब बड़ा प्यारा सा लग रहा है पठानकोट आगे देखने में. ऐसे बिल्कुल प्लेन सा एरिया है, सीधा सीधा. और ऐसे पंजाब में मतलब पता लग गया कि हाँ पंजाब पहुँच चुके हैं, क्योंकि ऐसे घर होते हैं साथ साथ बिल्कुल. तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सुबह सुबह पठानकोट. तो ये हम यहाँ पर आए हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. और ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर आज फंक्शन है जो मेन है, मेहंदी दीदी की, प्रीति दीदी की. वो तो 11:30 के बजे है, लेकिन अभी हम सुबह उठ के जल्दी से तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने आए. रात के थके थे, इसलिए मैं सुबह 9:30 उठा और 9:30 पूरा रेडी होके आ गया. तो यहाँ पर अभी हमने करना है ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर मेहंदी भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे सारी. ब्रेकफास्ट करके जी हम आ चुके हैं वापस. और यहाँ पर बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है इनमें. तो यहाँ पर अभी हम हैं पठानकोट, जैसा कि आप सभी को पता है. और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इनका कॉरिडोर. तो काफ़ी मतलब प्यारा लगा मेरे को ये जो इस तरह से डेकोरेशन इन्होंने लगा रखे है ना, काफ़ी मज़ेदार है. यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर मिलता है, जिसमें मैं भी दिख रहा हूँ. और अभी मेरा रूम जो है यहाँ पर वो 320 है, ये वाला अंदर है कोई. इन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब पर डाला हुआ एक, तो तभी ऐसे रेट. अंदर बैल बज रही होगी. फिलहाल मम्मी पापा कहीं चले गए हैं प्रीति दीदी के पास शायद, और मैं यहीं घूम रहा हूँ. तो DSLR का जुगाड़ हो चुका है, और फोटोज़ अब हमारी काफ़ी परफेक्ट आने वाली है, खासकर मेरी. तो अभी देखते हैं ज़रा फोटोज़ का मतलब, वो तो सारा हो चुका है. आपको रूम भी मैं चेक करवाता हूँ ज़रा, जैसे ही पापा मम्मी आते हैं उसके बाद फिर दिखाता हूँ आपको रूम. पहले उनको कॉल कर लेता हूँ एक बार. तो जी मैं रूम अपने पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर हमारे पास है छोटा सा काव्यांश. क्या नाम है आपका, नाम तो बता दो. काव्यांश. पापा के पास कौन सी गाड़ी है? ऑल्टो. कहाँ पर आए हैं हम? कहाँ हैं हम आए हुए? कौन सी जगह? भूल गए? ये तो कैमरा है. अच्छा ये बताओ, टूटू अच्छा है कि चंडीगढ़? टूटू अच्छा है. काव्यांश नाम है आपका, पापा के पास ऑल्टो गाड़ी है ना. चलो ऐसे कर दो, हेलो कर दो फिर, ऐसे कर दो ऐसे. तो जी अगर हम रूम की बात करें, तो दोनों ही रूम कमाल के थे, दोनों मतलब जम्मू वाला भी और यहाँ वाला भी. अब आपने बताना है कि कौन सा रूम आपको ज़्यादा बढ़िया लगा. वैसे फैसिलिटीज़ दोनों में बराबर है, वैसी है सारी. जैसे कि आप देख सकते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ पर भी हमारे को वैसा ही मिला था. ये तो मम्मी के यहाँ पर पड़ा है ये सामान, और कॉफ़ी बनाने के लिए सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही मिला था. और यहाँ पर भी मिनी फ्रिज है, आप देख सकते हैं इसके अंदर तो मिनी फ्रिज है. बस बात यह है कि ये वाला फ्रिज खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको. बाकी वहाँ पर तो बड़ा कुछ पड़ा था. तो यहाँ पर काव्यांश भी हमारे साथ आ चुका है. ओए ओए गिर जाओगे आराम से. तो ये है बंटी भैया का बेटा, छोटा वाला, मतलब एक ही बेटा है और ये छोटा सा, ऐसा बोलने का मतलब था. तो यहाँ पर एक बड़ा सा यहाँ पर हमारे को मिलता है शीशा, जैसे कि आपको बताया था. बाकी यहाँ पर फिर वही सारी चीजें जो कि आपने वहां भी देखी होगी. अच्छा ये स्लाइड वाला है, कैसा है? ऐसे आराम से. तो यहाँ पर ये सारे हमने कपड़े वगैरह डाल रखे हैं. यहाँ पर हमारे को इन्होंने प्रेस नहीं दी थी, लेकिन वो हमने कॉल पे मंगवा ली थी बाद में. बाकी आपको बाथरूम भी चेक करवा देते हैं. यहाँ पर भी हेयर ड्रायर मिलता है, और जैसे कि यहाँ पर इनकी हेयर ड्रायर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है.
करने बाल सेट करने, ऐसे ऐसे करने बाल सेट, आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, आ जाओ बाल सेट करते, जल्दी आ जाओ जल्दी, ऐसे हाँ सुंदर बन के जाएंगे, जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ जल्दी, नहीं जा रहने दो ऐसे, फीवर है इसको, यहाँ पर काफी अंश भी बीमार हो चुका है, इसको फीवर हो चुका है ना, फीवर हो गया ना, कहाँ दर्द हो रही थी, कहाँ दर्द हो रही थी आपके, रात रात को कहाँ दर्द हुई थी, हाँ यहाँ पर दर्द हुई थी तो काफी मतलब समझदार सा बच्चा है ये, तो यहाँ पर शीशे वगैरह वही सारी चीजें, और ये फ्लैश, और यहाँ पर आपको वैसा ही बाथरूम मिलता है, तो मतलब ऑलमोस्ट सारा जम्मू वाले की तरह है। सेम यहाँ पर भी आपको ये चीज मिल जाती है कि आप कहाँ पर हो और कहाँ कहाँ पूरा है, वो जो गाइड वहां पर मिली थी, तो ऑलमोस्ट सारा सेम है, सब कुछ सेम है जैसा जम्मू में था, लेकिन यहाँ पर व्यू नहीं देख सकते आप बाहर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसी कवरिंग लगा रखी है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस तरह से कवर कर रखा है, यहाँ पर यही वही चेयर वगैरह सब कुछ मिलता है आपको, टीवी यहाँ पर जैसे कि नारुतो आ रहा है सामने, ये देखते हो ये वाला कार्टून देखते हो काव्यांश, ये वाला देखते हो, देखते हैं तो काव्यांश यहाँ पर एनीमे भी देखता है। तो यहाँ पर अभी मम्मी तैयार हो रहे हैं, एसी यहाँ का वहाँ से कनेक्ट मतलब होता है, जो भी चेंज वगैरह आपने करना होता है टेम्परेचर जितना, यहाँ पर इस तरह से बल्ब, लेकिन यहाँ पर सरफेस पे कोई पंखा वगैरह नहीं है, वहाँ पंखा भी था, बाकी यहाँ पर वाईफाई नहीं कनेक्ट होता, वहाँ वाईफाई भी था, बेशक वो काम का नहीं था पर वाईफाई तो था, यहाँ पर ऐसी कोई वाईफाई की भी फैसिलिटी नहीं है। तो अभी अब हमने जाना है मेहंदी के लिए, पहले आप कमेंट करके बताना वो वाला रूम ज़्यादा बढ़िया था या ये वाला, तो फिर वो भी देखते हैं हम कि आप क्या कहते हो। बाकी अभी हमने मेहंदी के लिए जाना है, 12 के बजे के करीब आएगा मेहंदी वाला, तो तब हम मेहंदी के लिए भी जाएंगे, तो वहाँ का भी मूवमेंट कैप्चर करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, पिछले ब्लॉग एडिट करते हैं, और उसके बाद फिर मिलते हैं मेहंदी वाले ब्लॉग में। कहाँ जाना है, नीचे जी, मैं बोलूँ नहीं जाना फिर, मैं बोलूँ नहीं जाना फिर, नहीं जाना है। अच्छा पहले ये बता दो कि पापा के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है पापा के पास, कौन सी गाड़ी है पापा के पास, ऑल्टो, जिससे ऑल्टो बोलता है, हाँ बुआ के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी, ब्रेजा, तो दादू के पास है, बुई के पास कौन सी है कौन सी है, कौन सी, जल्दी बताओ जल्दी, टीवी में आओगे फिर आप, कौन सी है? देखते हो ना मेरे व्लॉग्स, देखते हो ना, देखते हो ना मेरे व्लॉग्स, कौन हूँ मैं, नाम क्या है मेरा, क्या नाम है मेरा कौन सी गाड़ी, वेन्यू किस किसके पास है गाड़ी, वेन्यू, अच्छा मेरा नाम बता दो फिर चलते हैं, जल्दी से बता दो, मेरे व्लॉग्स देखते हो ना, मेरा नाम क्या है, क्या नाम है मेरा, कौन हूँ मैं, साहिल भैया, मेरे व्लॉग्स देखते हो ना, किस में देखते हो, टीवी में, ठीक है चलो चलते हैं फिर, टीवी बंद कर दें, चलो कर देंगे टीवी बंद, तो फिर मिलते हैं आपसे मेहंदी में, और आपको बताते हैं मेहंदी भी कहाँ है, अभी एसी लगा रखा है तो गर्मी इतनी नहीं, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो फिर मिलते हैं वहां पर, चलो 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 चलो, हाथ हैंडू पकड़ो जल्दी से, और चलते चलते चलते, भागो 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 भागो, 1:30 बज चुके हैं और मेहंदी का प्रोग्राम थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है, तो अभी यहाँ पर हमारा रूम क्लीन हो रहा है, तो हम बाहर आ चुके थे और अभी हम जा रहे हैं लंच करने, तो देखते हैं जरा लंच में भी क्या बना रखा है, और यहाँ पर मम्मी घूमते हुए टहलते हुए, और ये मम्मी बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं आज, बढ़िया लग रहे हैं, उस दिन नहीं लग रहे थे साड़ी, आज ठीक लग रहे हैं, तो यहाँ पर पापा भी नाइट सूट पहन के, तो मैंने तो वही ब्लैक वाला पहन रखा है, इन्होंने पहन रखा है लाइट कलर, तब से लेकर मैं रूम में ही था, ये लोग तो ऊपर थे, बढ़िया एसी ऑन करके मैं देख रहा था डोरेमोन, तो इस तरह से मतलब टीवी देख रहा था मैं, तो आराम से एडिटिंग करी, व्लॉग अपलोड किया, और फिर मैं बिजी हो गया था डोरेमोन देखने में, तो अब चलते हैं हम खाना खाने, और खाने का भी बताते हैं आपको कि क्या क्या बना रखा है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर खाना खाने, और बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पर फोटोशूट के लिए, और मेरे पास यहाँ पर कैमरा भी है, तो यहाँ पर सभी अच्छे अच्छे से तैयार हुए हुए हैं, बंटी भैया और उनके वाइफ दीदी, तो यहाँ पर फोटोज खींचने के लिए, और फोटोज खींचने के लिए सब रेडी है, बैटरी टुगेदर पोज देंगे, और साहिल हमारा नया नया फोटोग्राफर है, अभी 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 भी बना है अभी भी ट्रेन हुआ है, अभी अंडर ट्रेन ही है, हम एसेस करेंगे ज्यादा फोटो हां तो खींचनी आती है, कैसी फोटोज ले, मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हूं, हूं मैं एक्सपर्ट, हाय चलो खींचते हैं फोटोज, यहां बैठो, बहुत ही ज्यादा धूप है यहां पर। खाने से पहले यहाँ पर आ चुका है फास्ट फूड, टाइम अभी वैसे बज तो डेढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर ये फास्ट फूड नहीं दिया था इन्होंने, तो ये आप दे रहे हैं यहाँ पर कुछ, ये हरा भरा कबाब भी है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये पनीर टिक्का खाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वरना खाने के लिए भूख नहीं रहेगी, चेक कर सकते हैं पनीर टिक्का, ये क्या चीज़ है, ठीक है, और ये भी क्या, हनी चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटो, अच्छा नाइस,
ठीक है पापा, बढ़िया। कबाब खाया? हरा भरा कबाब। हरा भरा कबाब। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले खाते हैं पनीर टिक्का। बढ़िया, इसको देखता हूँ बाद में। खा के हम लोग आ चुके थे और थोड़ा सा भी यहाँ पर गैप नहीं मिला है, खाना पहले यहाँ पर लग चुका है। और ये हैं प्रीति दीदी जिनकी शादी है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर बंटी भैया से फोटो शूट हो रहा है इनका भी, तो बंटी भैया अपने DSLR से इनका फोटो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोज, ये वाला पोज मैंने बताया था अभी, क्या बात है, तो चेक कर सकते हैं फोटोज़। बाकी आपको अंकल जी से भी मिलाते हैं, एक सेकेंड। ये है प्रीति दीदी के पापा जो कि यहाँ पर सूप इंजॉय कर रहे हैं, और इन्होंने ये मतलब पूरा ऑर्गेनाइज करवा रखी है शादी। तो अंकल जी मज़ा आ गया, जम्मू जाके भी मज़ा आ गया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और वो जो वहाँ पर खड़े हुए वो हैं आंटी जी, प्रीति दीदी के मम्मी, तो वो दूर से खड़े। आपने स्नैक्स खाए? खा लिए? ठीक है ठीक है, आइए अच्छी अच्छी फोटोज। एक आंटी जी के साथ भी ले लो, आ जाओ। ठीक है, ऐसे भी आए, बढ़िया आ रही है। तो यहाँ पर सभी खाना एंजॉय कर रहे हैं, और ये छोटा सा काव्यांश सो के उठकर आ चुका है वापस। और मेरे पास है यहाँ पर जिम्मेवारी, आप देख सकते हैं कैमरा मेरे हाथ में। और प्रीति दीदी भी यहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे हैं, पापा भी खाना खा रहे हैं, और इस साइड मम्मी खा रहे हैं। लेकिन मेरी तो बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है खाना खाने की, इसलिए मैं तो नहीं खाने वाला, पर ये लोग खा रहे हैं। सभी मतलब ऐसे सज धज के रेडी होके आए हुए हैं यहाँ पर खाना खाने। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम आप देख सकते हो अभी बज रहे हैं 2:20 हो रहे हैं, 3:20, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अब रात को ही खाना देखेंगे, अब हम खींचते हैं और फोटोज़ और फिर चलते हैं रूम, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं।
देखती है, देखती है। ठीक बोलता है कोलैब कर लेते हम दोनों। आप धो लो मुंह जाके। कैसे धोना? फाइनली डिनर करने के बाद और मेहंदी वाला पूरा कार्यक्रम करने के बाद अब हम फ्री हो चुके हैं। 12 भी एग्जैक्ट बज रहे हैं। पहले हम थोड़ा फ्री हो चुके थे, मतलब काफ़ी देर पहले हो गए थे, लेकिन फिर हम रूम में बैठे हुए थे और वहाँ पर हम कर रहे थे बातें सारे, मतलब बैठ के प्रीति दीदी वाले रूम में। तो अब जाके हम सोने आए हैं 12 बजे, और अभी पिछला व्लॉग एडिट करना है अखनूर वाला, और फिर उसको रात में अपलोड भी करना है। खैर नेट की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 5G चल रहा है तो फटाफट से अपलोड हो जाएगा। तो इस वाले व्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड। कल बारात भी आएगी तो उसका व्लॉग भी आएगा, रात में आनी है तो वो भी पूरा बनाएंगे। तो मिलते हैं उस वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।